नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले दीक्षा ऐप की कि दीक्षा ऐप को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, दीक्षा ऐप पर किस प्रकार से हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, दीक्षा ऐप के थ्रू हम किस प्रकार से अपना जो ट्रेनिंग है जो CBSE की तरफ से दी गई है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उसका जो ई सर्टिफिकेट आएगा उसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम पहले हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर जाकर आप लिखेंगे दीक्षा ऐप। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो दीक्षा ऐप का ही है, उसी को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ पे डाउनलोड या इंस्टॉल लिखा आएगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखिए सबसे नीचे आप देख रहे होंगे कि सेलेक्ट बोर्ड लिखा रहा है, आप इस सेलेक्ट बोर्ड को क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से बहुत सारे बोर्ड लिखा आ जाएंगे आपको, क्योंकि आप CBSE के लिए कर रहे हो, आप CBSE टीचर हो, तो आपको यहाँ सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है CBSE NCERT, इसी को आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यह सबमिट का बटन जो आ रहा है उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट मीडियम, कौन से मीडियम में आप इस ऐप को चलाना चाहते हैं। जाहिर है आप एक CBSE टीचर हो तो आप इंग्लिश में ही इसको चलाना चाहेंगे, तो इसलिए इंग्लिश को आप क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे वो क्लासेस पूछ रहा है कि किस क्लास के लिए आप करना चाहते हो, तो जिस भी क्लास को आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, एक से ज़्यादा क्लास भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं क्या 9th, 10th, 11th और 12th, ये चारों क्लास को मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इन चारों क्लास को मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने इन चारों क्लास को सेलेक्ट करके यह सबमिट बटन को प्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे नीचे लिखा आ रहा है कंटिन्यू, आप इस कंटिन्यू को प्रेस कर दीजिए। अब आपसे वो स्टेट पूछ रहा है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं आप उस स्टेट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे हमें आ रहा है मध्य प्रदेश, अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो यहाँ से स्टेट आप चूज कर सकते हैं, जो भी स्टेट में आप होंगे आप इसको चूज कर लेंगे। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ इसलिए मैंने मध्य प्रदेश को चूज कर लिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। जाहिर है मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मध्य प्रदेश की कोई डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो मैंने क्या करा यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो भोपाल चूज कर लिया। ठीक है, ये है भोपाल, इसको इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। ये मैंने सबमिट कर दिया। इसके नीचे देखिए क्लियर और सबमिट लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस तरह से मेरे मोबाइल में इस समय जो दीक्षा ऐप है वो ऐड हो चुका है। दीक्षा ऐप तो मैंने ऐड कर लिया है, लेकिन अभी मुझे और भी काफ़ी कुछ काम करना है। ये दीक्षा ऐप की पूरा ऐप है, इसमें सारी चीज़ दे रखी। यह देखिए राइट हैंड बॉटम के ऊपर एक प्रोफाइल करके एक ऑप्शन दिया है, उस प्रोफाइल वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का इंटरफेस आपको नजर आएगा। ऊपर गेस्ट लिखा हुआ, आप गेस्ट तो है नहीं, आपका कुछ नाम होगा, तो आप ये छोटा सा एक पेन दिख रहा है उस पेन को आप क्लिक करेंगे। पेन को क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए टीचर जो लिखा है उसको क्लिक ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाद गेस्ट जो लिखा है, गेस्ट की जगह पे आप अपना नाम डालेंगे। मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने अपना नाम डाल दिया है। इसके बाद मेरा बोर्ड NCERT है, मेरा बोर्ड CBSE वो ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके बाद मीडियम भी इंग्लिश ऑलरेडी डाला हुआ है, क्लास भी ऑलरेडी मैंने पहले से डाल दिया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट आप कौन सा लेते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं आप यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास आ जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते होंगे। मैं मैथमेटिक पढ़ाता हूँ इसलिए यहाँ पे मैं मैथमेटिक जहाँ पर भी लिखा होगा उसको मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए ये मैथमेटिक आ गया, इसको मैंने क्लिक किया। अब सबमिट बटन को मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने सबमिट बटन को क्लिक कर दिया। इस तरह से मैंने अपनी प्रोफाइल एडिट कर ली है और यहाँ पे अब मैं सेव वाले बटन को क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी प्रोफाइल यहाँ पर बन चुकी है। चाहे तो आप यहाँ ऊपर जो सबसे ऊपर एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, अब देखिए नीचे का ऑप्शन आ रहा है लॉगिन, क्योंकि अभी तक आपने रजिस्टर किया है लॉगिन नहीं किया है तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आता है। लॉगिन करने के यहाँ पे तीन मेथड आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो आप ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हो। दूसरा आप गूगल जो भी अकाउंट है आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपके पास जो स्टेट सिस्टम है उसके थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो। क्योंकि आप एक प्राइवेट टीचर है तो आप जो है वो स्टेट सिस्टम से नहीं जाओगे, क्योंकि आपके पास उसका कोड नहीं होगा, क्योंकि आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं CBSE में, इसलिए आपको जाना है साइन विथ गूगल। वैसे आप यहाँ पर मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ईमेल के थ्रू कीजिए, क्योंकि मोबाइल तो चेंज भी हो सकता है, मोबाइल नंबर आपका चेंज भी हो सकता है,
लेकिन गूगल जो अकाउंट है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए आप गूगल अकाउंट के थ्रू ही आप इसमें रजिस्टर करिए। तो ठीक है, मैं साइन इन विद गूगल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने साइन इन विद गूगल पे क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे जो भी आपका जो ईमेल होगा उसको आप चूज़ कर लीजिए। जैसे अब मैं इसको चूज़ करता हूँ तो इस प्रकार का कोई इंटरफेस आता है। ये कुछ पूछ रहा है आपसे टर्म्स एंड कंडीशन, आप इसको एग्री कर दीजिए। मैंने एग्री कर दिया और कंटिन्यू पे प्रेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या हैं, आप टीचर हैं स्टूडेंट, तो आप एक टीचर हैं तो आप टीचर को क्लिक करके और यहाँ पे कंटिन्यू बटन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ फिर से आपसे बोर्ड पूछा जा रहा है, आप बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और CBSE NCERT को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे सबमिट को क्लिक कर देंगे। इसके बाद मीडियम पूछा जा रहा है, आप मीडियम इंग्लिश करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद क्लासेस पूछी जा रही है, तो आप फिर से वही क्लासेस जो आपने पहले रखी थी वही क्लासेस फिर से रख देंगे, 9th, 10th, 11th and 12th। आप चाहे तो एक क्लास भी कर सकते हो, आप चाहे तो एक से ज़्यादा भी क्लास कर सकते हो, और सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिएगा। अब ये सेव वाला बटन आ रहा है, आप इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, आप स्टेट ऑलरेडी आई चुकी है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, वो भी आप ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, आप इसको सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपने पूरी तरीके से रजिस्टर हो चुके हो, लॉगिन भी कर लिया है। सबसे पहले आपने दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया था, इसके बाद आपने उस पर रजिस्टर किया था, फिर आपने इसको लॉगिन कर दिया। इतनी सारी प्रक्रिया आपने पूरी कर चुके हैं। अब अगली बात ये आती है कि उसमें जो कोर्सेज दिए हैं उसकी ट्रेनिंग आप किस तरह से लोगे, और जब ट्रेनिंग आप कर रहे होंगे तो किस तरह से आप उसको आगे बढ़ोगे और फिर किस प्रकार से उसका सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसी में बॉटम पे देखिए, आप लाइब्रेरी के बगल में कोर्सेज करके दिया है, आप उस कोर्सेज वाले उसको आइकन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज आ जाएंगे जो कि दीक्षा ऐप ने या जो NCERT ने दे रखे हैं, वो सारे कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि आप CBSE बोर्ड के टीचर हो इसलिए यहाँ पे CBSE वाला जो लिखा CBSE ट्रेनिंग, ये देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा CBSE ट्रेनिंग, आप उसके जो कोर्सेज है उसी को आप फॉलो करोगे, आप यहाँ पे लर्निंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कुछ वीडियोज़ होते हैं, कम से कम 3 या 4 वीडियो होते हैं, और उन 3 या 4 वीडियो से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आपको जवाब देकर आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो, यानी कि आप उसमें जब पास हो जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और कम से कम 2 से 3 मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना होता है, कभी कभी एक ही मॉड्यूल में भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी 3 मॉड्यूल को आपको कंप्लीट करने के बाद ही सर्टिफिकेट वहाँ से जनरेट होता है। आपको स्कूल से एक सर्कुलर भी मिला होगा जिसमें वो सारे जो मॉड्यूल है, सारे जो कोर्सेस है उसके बारे में दे रखा होगा। देखिए आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इस समय आपको वो सर्कुलर दिख रहा है जिस सर्कुलर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप इस सर्कुलर की जो लिंक दे रखी है उसके थ्रू भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कोर्सेज को चूज़ करके भी, कोर्सेज को क्लिक करके भी आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले जो सेकंड नंबर का कोर्स है, क्योंकि मैंने फर्स्ट कर लिया है इसलिए मैं सेकंड नंबर के कोर्स जो है यहाँ से मैंने सेकंड वाले मॉड्यूल को क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे कोर्स की डिटेल आ रही है और यहाँ दिखा रहा है ज्वाइन कोर्स, तो मैं ज्वाइन कोर्स पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट लर्निंग, आप इस स्टार्ट लर्निंग को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा रहा नेक्स्ट और यहाँ नीचे एक लिखा रहा वीडियो, तो पहले मैं वीडियो को देखूंगा यहाँ पर, और उस वीडियो को देखने के बाद ही मैं उस क्वेश्चनों के आंसर दे पाऊंगा। तो मैं यहाँ वीडियो को क्लिक करता हूँ, यहाँ प्ले का बटन आ रहा है, मैं इस प्ले के बटन को क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू लर्निंग, इस कंटिन्यू लर्निंग को मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वीडियो आ चुका है यहाँ पर। Hello, welcome to module 2 of the course. In this module, we will be talking about the... इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इसी वीडियो के थ्रू ही आप उन क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे जिसके थ्रू आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, यानी कि ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये वीडियो अभी तक देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड पर नीचे की तरफ लिखा है मॉड्यूल 2.1 प्रैक्टिस, यहाँ पे इस प्रैक्टिस वाले जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा कंटिन्यू लर्निंग, तो इस कंटिन्यू लर्निंग को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे उससे जो वीडियो हमने देखा था उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आए। इन क्वेश्चनों को एक एक करके आपको सॉल्व करना है, यानी कि इसके आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज अ पर्पस ड्रिवन सिस्टम दैट फोकस ऑन, जो भी इसमें से आपको ठीक लग रहा है आप उसको क्लिक कर देंगे।
ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए आप क्लिक करेंगे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ सीबीई सिस्टम, इसमें से जो आपको ठीक लग रहा है उसको आप क्लिक करेंगे। इसी टाइप से आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है। तो इस तरह से मैंने ये जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लिया है, और साथ में जो पेपर आया था यानी जो क्वेश्चंस आए थे उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, मेरे 5 में से 3 क्वेश्चंस करेक्ट गए हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, इसी टाइप से आपको सारी वीडियो देखना है, जितने भी वीडियोस में करीबन आपको 3 वीडियोस मिलेंगे, उन 3 वीडियोस को देखकर आपको एक एक करके उसके आंसर देना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसके सर्टिफिकेट, जो ई सर्टिफिकेट आते हैं उसको कहाँ से देखेंगे और किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आप फिर से वापस अपने जो दीक्षा ऐप है उसका जो मेन पेज है उसके ऊपर जाएंगे, मेन पेज पे जाएंगे और आपको इस प्रकार का जो मेन पेज है वो दिखेगा। नीचे जाएंगे आप तो देखेंगे, देखिए नीचे की तरफ आपका लिखा है, देखिए कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मॉड्यूल कंप्लीटेड लिखा है और यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ, इस सर्टिफिकेट को ही आपको क्लिक करना है, क्योंकि मैंने एक कर लिया इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा आ रहा है, आपको अगर नहीं किया तो आपको नहीं लिखा आएगा। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, इस कारण यहाँ सर्टिफिकेट लिखा आ रहा है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे मैं आप इसको ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया और देखिए ये मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा है राजेंद्र कुमार तिवारी, दिस इज सर्टिफाइड दैट, ये पूरा आपका आपके पास नाम आ चुका है। तो इस प्रकार से जब भी आप अपना जो कोर्स कंप्लीट करेंगे उस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कभी कभी इस सर्टिफिकेट को मिलने में 2 वीक लग सकते हैं, कभी कभी वो उसी दिन भी आ सकता है, तो आपको अगर उसी दिन नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।